तो आज हम चमका रहे हैं बहुत ही गंदे हालत में। एक औरत है, इसको हम चमकाने वाले हैं। कोड़े चुभती थी और इसको साफ सफाई करेंगे। सबसे पहले हम बालों में शैम्पू करेंगे। शैम्पू लगा दिया है बालों में, बालों की हालत बहुत खराब है, जो भी हो सकती है बालों में। और अब ये शैम्पू लगा दिया है, देखो कितने क्या क्या भरा हुआ है बालों के अंदर गंदगी। तो अभी हम बहुत से रगड़ दिया इसको, बहुत से रगड़ दिया, बाल जाग उठ गए हैं। अभी पानी से धुलाई कर दिया और पूरी गंदगी बाहर निकल गई है बालों में से। कितनी गंदी हालत थी। अभी जो फोड़े फुंसी हुए हैं उनको हम सफाई करेंगे, फोड़े में से कीड़े भी निकल गए। अरे कितनी गंदी हालत है भाई इसकी। अरे चिमटे से खींच खींच कर निकाल दिया अभी हमने, और ये फुंसी हुई है होठों के ऊपर, इसको भी निकाल दिया। अब हम इसको दवाई लगाएंगे। दवाई लगा दी भाई, और ये चेहरा पे कितनी दर्द होता होगा, इसको साफ हो गया। अभी पेस्ट लगाएंगे ब्लीचिंग वाला, चेहरे को चमका देंगे भाई। ये ब्लीचिंग कर दिया पूरे चेहरे पे, ब्लीचिंग से बड़ा ही सुंदर चमक जाएगा एकदम गोरा। इससे क्या है, बाहर वाले जो स्किन होती है डैमेज स्किन, वो निकल जाती है ब्लीचिंग से। और 3 मिनट वेट करके 3 मिनट के बाद देखो अभी हम साफ करेंगे लिक्विड से। तो चेहरे पे देखो गोरा हो गया भाई, साफ हो गया चेहरा। अरे वाह, अभी हम हेयर कटिंग करेंगे। जो बाल आलतू फालतू के गंदगी थी बालों के अंदर, वो बालों की गंदगी साफ हो जाएगी। और इसको पूरे बाल हमने चमका दिए, बालों की बहुत ही अच्छे से कटिंग हो रही है। कितनी आलतू फालतू के बाल काट दिए। अब इसकी नाक जो है तिरछी है, अभी हम प्लास्टिक सर्जरी से नाक इसकी सीधी कर दिए। नाक बड़ी की गंदी लग रही थी, अभी देखो कितना सुंदर हो गया है। अभी हम आंखों के ऊपर कलरफुल लगा दिए हैं, कलर वगैरह लगा के। अरे कितना सुंदर। अब आंखों के पलकों के ऊपर मस्कारा लगाएंगे, और ये लग गया, पलके चमकने लगे हैं। ये देखो कितना सुंदर हो गया है। अभी लिप के अंदर हम कौन से लिपस्टिक लगाएंगे सबसे बढ़िया, जो जैसा कलर मैच किया है आंखों के ऊपर, सेम कलर हम लिपस्टिक का लगाएंगे होठों पर। और होठ भी चमक गए सुंदर। अभी पूरे चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं उनको साफ करेंगे। कितने दाग धब्बे थे चेहरे पे, हो गया भाई चमकने लगा। कितनी फुंसी थी भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि अगले वीडियो